गीता जी कहीं भी आज तक नजर नहीं आई। 5 साल में कितना उनका हिंदुत्व के लिए कार्य रहा है वो पूरा मीरा भाईंदर जो है जानता है कि क्या कार्य रहा है। अभी चुनाव के आते अगर समझो ये शेरनी लग रहा है तो अभी वो तो जो है मीरा भाईंदर का हिंदू समाज सब समझता है, तो ये चीजें राजनीति करना गलत है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप अगर हिंदुत्व के लिए काम करते हो तो जनता आपको स्वयं से उपाधि देगी और जनता आपके आपका प्रचार जनता करेगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस कार्यक्रम में उस रैली में रथ पर जो राजा भैया थे उस चीज को जो है जो यहाँ की जो स्थानीय विधायिका गीता जैन जी है उनके द्वारा जो है हाईजैक कर लिया गया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में जब राजा भैया की जो सभाएं की जाती है वो सभाएं जो होती है वो धर्म सभा होती है, और वो धर्म सभा में जो है राजा भैया अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो चल रहे उसके लिए की जाती है। लेकिन ये इस तरह से जो है उन्होंने उस कार्यक्रम को जो अपना बना लिया वो थोड़ा गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। नमस्कार, जय श्री राम। मैं एडवोकेट खुश खंडेलवाल, संस्थापक हिंदू टास्क फोर्स। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ जो उपस्थित है श्रीमान सुशील वर्मा जी, जो कि मीरा भाईंदर शहर के हिंदू राष्ट्र सेना के जिलाध्यक्ष है। आज की जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है, कल रविवार को 25 फरवरी 2024 को सकल हिंदू समाज के द्वारा जो आयोजित रैली और भव्य जो सभा थी जिसमें मुख्य अतिथि टाइगर राजा भैया थे और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो ये आयोजित की गई थी, ये कार्यक्रम हमारा 100% सफल हुआ है। पूरा हिंदू समाज इस छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो आज अपनी उपस्थिति उन्होंने जो दर्ज कराई कल, उसका परचम जो है पूरे भारत में लहराया और पूरे भारत में ये संदेश गया कि टाइगर राजा भैया जब मीरा भाईंदर आए तो पूरा हिंदू समाज 25 से 30 हज़ार की संख्या में जो है रास्ते पर उतरा और उन्होंने रैली में सहभाग लिया, जो कि हमारा 100% ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ है। बस एक जो बात इसके साथ जो मैं कहना चाहता हूँ कि साथ ही साथ एक जो चीज़ हुई कि उस कार्यक्रम में उस रैली में रथ पर जो राजा भैया थे उस चीज़ को जो है जो यहाँ की जो स्थानीय विधायिका गीता जैन जी है उनके द्वारा जो है हाईजैक कर लिया गया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पूरे महाराष्ट्र भर में जब राजा भैया की जो सभाएं की जाती है वो सभाएं जो होती है वो धर्म सभा होती है, और वो धर्म सभा में जो है राजा भैया अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो चल रहे उसके लिए की जाती है। लेकिन ये इस तरह से जो है उन्होंने उस कार्यक्रम को जो अपना बना लिया वो थोड़ा गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने मंच से ये एक बात कह दी कि जब पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी तो हमने हाईकोर्ट में जाकर इसमें जो है परमिशन लेकर आए, वो सरासर गलत था। इस मामले में जो है जब मुझे पता चला कि सकल हिंदू समाज के तरफ से आयोजक जो नरेश नीले जी है जो पुलिस के लिए जो परमिशन के लिए जो प्रयास कर रहे वो आदमी जो नंगे पैर घूम रहा है और पुलिस उसे परमिशन नहीं दे रही थी, तब मैं उसमें जो है खुलकर मैं उनके समर्थन में आया। पुलिस ने जब परमिशन रिजेक्ट कर दी तब मैंने मुंबई उच्च न्यायालय से परमिशन का आदेश लाया और तब यह कार्यक्रम हुआ। तो ये जो चीज़ें हुई ये थोड़ी गलत थी, क्योंकि मीरा भाईंदर की जनता, मीरा भाईंदर का हिंदू समाज जो मुझे जानता है उन्हें पता है कि मेरा किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैं जो कार्यक्रम करता हूँ, जो मैं कार्य करता हूँ वो एकमात्र मेरे हिंदू समाज के लिए करता हूँ, निस्वार्थ भाव से करता हूँ, मेरा किसी राजनेता से कोई संबंध नहीं है। तो ये एक जो चीज़ थी वो गलत हुई। पूरा कार्यक्रम को इस तरह से जो है मंच को हाईजैक कर लेना, और मुझे अंदर से जानकारी भी प्राप्त हुई कि राजा भैया भी जो है नाराज होके गए, क्योंकि आज एक वीडियो भी सामने आ रहा है कि किस तरह से राजा भैया के आगे जब राजा भैया का भाषण था तो गीता जैन जी आगे आकर जो है खड़ी रह गई, तब राजा भैया उनको तिरछी नज़र से देख रहे और राजा भैया ने उनको कहा कि आप जरा पीछे हो जाइए। तो ये सारी चीज़ें थी वो गलत थी, क्योंकि ये मंच जो था ये राजा भैया का मंच था, ये मंच था हिंदू समाज को संबोधन करने के लिए, ये मंच था। तो ये जो चीज़ें हुई गलत हुई। सवाल पूछिए।
इसमें जो है कि हिंदू सकल समाज की, जैसे आप बात कर रहे कि हिंदू सकल समाज गया हाईकोर्ट में परमिशन लेने के लिए गया, तो इस पूरे प्रोसेस में एमएलए गीता जैन ने आप लोगों का कितना साथ दिया, उनका क्या क्या रोल रहा है? देखो, आयोजक की जगह अगर बात रही तो मैं इसमें आयोजक नहीं था, आयोजक जो थे इसमें नरेश नीले जी थे। मुझे जो कार्यक्रम के बारे में जो बताया गया था वो ये था कि देखो, जो भी व्यक्ति जब आयोजन करता है, कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन जब आयोजन करता है, तो स्वाभाविक है वो पूरे समाज का इसमें सहयोग लेता है। गीता जैन जी भी हिंदू है तो बिल्कुल उनका सहयोग लिया होगा, और वर्तमान में वो विधायक है तो उनका भी सहयोग होगा। लेकिन अगर किसी का सहयोग लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार्यक्रम उनका हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मंच पूरा उनका हो जाता है। तो ये चीज़ें जी थी जो वो गलत थी। मेरे साथ आज सुशील वर्मा जी भी उपस्थित थे, ये आयोजक की टीम में थे, तो ये आपको आगे की उसकी जानकारी आपको देगी। नहीं, अभी आप पे ही हम लोग रहते हैं, उनके पास में भी हम आएंगे। सवाल ये है कि कल जो रैली निकली थी, जो वहाँ पर सभा हुई, जो कार्यक्रम हुआ, उस दौरान आप लोगों को साथ में शामिल नहीं किया गया, इस बात का क्या आपको दुख है, इसलिए आज आप पत्रकार परिषद ले रहे हो? बात का देखो, शामिल नहीं करने का दुख नहीं है, बात का दुख ये है कि जिस तरह से मंच पर पूरी चीज़ों को इस तरह से उन्होंने कर दिया कि पूरा कार्यक्रम उनका था, वो चीज़ थोड़ी गलत थी। क्योंकि जब भी जो धर्मसभा होती है, किसी राजनेता को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए नहीं होती है, हिंदू समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज पर जो आक्रमण हो रहा है उस आक्रमण के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, हिंदुओं के एकता का परिचय देने के लिए कार्यक्रम होता है, किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए कार्यक्रम नहीं हो रहा है। तो जिस तरह से पूरे मंच पर जो कब्जा कर लिया गया था वो गलत था। और उन्होंने जब भाषण भी हुआ तो दिन दिन का समय जो था वो समय पूरा उन्होंने ले लिया, और राजा भैया को रात में ये जो है उनका भाषण शुरुआत करना पड़ा, तो वो चीज़ें गलत थी। अगर ये पूरी तरह अगर आयोजन में शामिल थी, अगर इन्होंने ही अगर पूरा आयोजन किया तो ना ग्राउंड की व्यवस्था कर पाई, ना उधर लाइट की व्यवस्था कर पाई, तो ये सारी चीजें जो है आप गलत थी। गीता जैन पूरी तरह राजनीतिकरण करके उस मंच का प्रयोग अपने चुनावी हथकंडे के लिए करना चाहते हैं। जो कल की चीजें हुई उससे साफ तौर पर यही दिख रहा है कि एक धर्मसभा को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के निमित्त जो आयोजन किया गया, उसको कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इस आयोजन से ठीक पहले, उसमें टी राजा सिंह जी ने स्वयं कहा कि हमारी बहन है। हालांकि आयोजन शब्द पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आयोजक कोई और है, लेकिन ये जो बहन शब्द का प्रयोग और ये सारा कुछ जो हुआ कि कई बार इलेक्शन में ये आई वहाँ पर तेलंगाना में जहाँ पे ये चुनाव लड़ाए थे जिस विधानसभा में, तो इसका ये सारा जिक्र किया, तो क्या लगता है इसका पूरा पूरा राजनीतिकरण करके, हिंदू शेरनी शब्द का प्रयोग करके ये सारा चुनाव की तरफ ले जाने की कोशिश थी? देखो कैसा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मुझे इसमें पता चला, जानकारी हुई कि नरेश नीले जी को परमिशन नहीं मिल रही, और जब खारिज कर दी, तब मैं उसमें एकमात्र व्यक्ति जो इसमें सामने आकर मैंने हाईकोर्ट से लड़कर इसमें परमिशन ली, जिसके कारण कल राजा भैया उसमें सभा ले पाए। और तब तक जो है गीता जी सामने नहीं थी, जब तक परमिशन नहीं आई, जब तक गीता जी सामने नहीं थी। उसके बाद जब परमिशन आने के बाद 24 तारीख को उनके घर पे एक इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर राजा भैया आएंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगा, जो कि जायज है, बिल्कुल वर्तमान एमएलए है तो कर सकते हैं, बिल्कुल वो स्वतंत्र है। शामिल होने के बाद में, मतलब स्वागत के बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मंच पर मैं नहीं रहूंगी, उन्होंने खुद कहा था। लेकिन कल जो हुआ कार्यक्रम के दौरान, तो वो पूरे मंच पर जो जिस तरह से रही वो चीज़ें जो थी वो गलत थी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि राजा भैया की जो धर्मसभा होती है, वो धर्मसभा एकमात्र हिंदू समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज पर हो रहे आक्रमण को जो है उसमें जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को उसके लिए होती है, किसी को पॉलिटिकल बेनिफिट देने के लिए नहीं होती है। अगर चुनावी रैली होती तो वो पूरा चुनावी के रूप में पूरा प्रदर्शित किया जाता, जो कई उम्मीदवार के लिए राजा भैया आते हैं। खंडेलवाल जी, एक व्यक्तिगत रूप से आपसे सवाल है मेरा कि आप मीरा भाईंदर शहर के नागरिक है, और अब पिछले कई दिनों से हम जो देख रहे हैं कि यहाँ की जो विधायिका गीता जैन है, ये अपने आप को हिंदू शेरनी कहलवाती है, ये अपने आप को हिंदुत्व के सबसे बड़ा रखवाला को कहलवाती है, तो जो हिंदुत्व की जो बात है, आप कितना उनके हिंदुत्व को मानते हैं और उनका हिंदुत्व को आप कैसा देखते हैं? देखो, पहली बात तो ये जो शेरनी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली तो उस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा
गीता जी अपने नाम के आगे क्या लगाए वो स्वतंत्र है, वो उनके उनका अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति खुद से अपने आप को शेरनी या शेर नहीं कहता है। राजा भैया को जो हम शेर कहते हैं वो हम उनको कहते हैं, लोग उनको संबोधित करते कि हिंदू शेर है, वो खुद से अपने आप को शेर नहीं कहते। तो इस तरीके से जो उपाधि स्वयं से ली जा रही है तो वो तो अब मैं उसमें क्या कहूँ, वो सही नहीं है अब, लेकिन वो उसमें स्वतंत्र है। मेरा सवाल हिंदुत्ववादी शेरनी है। देखो इतिहास को लेकर अगर बात करें तो जितने भी हिंदू पर आक्रमण को लेकर जो प्रकरण हुए, हर प्रकरण में अगर आप देखोगे तो हिंदू संगठन ने ही आगे आकर काम किया है। गीता जी कहीं भी आज तक नजर नहीं आई, 5 साल में कितना उनका हिंदुत्व के लिए कार्य रहा है वो पूरा मीरा भाईंदर जो है जानता है कि क्या कार्य रहा है। अभी चुनाव के आते अगर समझो ये शेरनी लग रहा है तो अभी वो तो जो है मीरा भाईंदर का हिंदू समाज सब समझता है, तो ये चीजें राजनीति करना गलत है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आप अगर हिंदुत्व के लिए काम करते हो तो जनता आपको स्वयं से उपाधि देगी और जनता आपके आपका प्रचार जनता करेगी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंच को हाईजैक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बस काम करते रहिए। तो कहीं ना कहीं उनके कार्य में शायद कमी रही होगी, इसलिए ये इस तरह की जो है हरकतें की गई होगी। मैं सुशील वर्मा, हिंदू राष्ट्रीय सेना, मीरा भाईंदर अध्यक्ष, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सकल हिंदू सभा जो कल हुई 25 तारीख को, वो एक 100% सफल हुई है और हमारे समाज में, हिंदू समाज में एक एक बड़ा परिचय दिया हम लोग मीरा भाईंदर के जो संगठन लोगों ने, कि इतने जनसंख्या में शामिल होके हम कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे कार्यक्रम में बहुत सी अड़चनें आई थी, उन अड़चनों को हमारे खुश खंडेलवाल जी जो कि एक हिंदू टास्क फोर्स के हैं, वो भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए, वो हमको ये कोर्ट से जो मदद की है उसके लिए हम उनके लिए आभारी हैं। और दूसरे बात जो गीता जैन की बात कर रहे हैं, तो गीता जैन ने भी हिंदू है और हिंदुत्व के लिए वो भी काम कर रही है, और वो हमारे सभी संगठन को जो हिंदुत्व है इसलिए वो मदद कर रही है। और हिंदू समाज में कोई भी मदद कर सकता है, उसके लिए नहीं है। ये कल आपके लोगों के द्वारा या लोगों के द्वारा ये कहा गया संगठनों के द्वारा कि ये हाईजेक हो गया है, तो ये एक्चुअली ये सकल हिंदू समाज का ही प्रोग्राम था, कोई गीता जैन या कोई राजनीति का ये नहीं था करके, ये हमारा सकल हिंदू समाज का ही था। मेन हमारा थोड़ा सा ये पॉइंट थोड़ा सा गलती हुआ कि हमारे जो व्यासपीठ था वो व्यासपीठ पर हमारे सकल हिंदू समाज के कोई कार्यकर्ता ही संगठित चालू करना चाहिए था, वही अनाउंस करना चाहिए था, जो कि ये हमारे यहाँ की आमदार गीता जैन है वो स्टेज पे जाके संचालित की। तो हिंदू समाज में जरा ये चर्चा हो गई कि ये राजनीतिक सभा थी कि हिंदू सभा थी करके, तो हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते कि ये सभा हिंदू समाज की थी, सकल हिंदू समाज ने ही प्रोग्राम किया है, जो मेहनत की है, जो ये सब किए वो सकल हिंदू समाज के संगठनों ने किए, न कि कोई दूसरे किसी ने ये करके किए।